हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी जी के एजुकेशन। इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट मिलती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, यहाँ 64वीं BPSC के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम का डेट इसमें दिया हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं अंडर एज के कारण इसमें उनका नाम कैंसिल कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि किसको किसको कैंसिल कर दिया गया, कितने स्टूडेंट को इसमें से हटा दिया गया है, उनको रिजेक्ट कर दिया गया उनका फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ BPSC के वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। और देखिए, जो लोग 60वीं और 62वीं के लिए एग्ज़ाम दे चुके हैं मेंस का, उनके लिए इंटरव्यू का यहाँ पे डेट दिया गया है। और यहाँ पे कैंडिडेट क्लेम रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर के लोग हैं जो अपना एज के लिए यहाँ पे देख सकते हैं। और चलिए इसमें देख लेते हैं। और एक चीज़ और, जो असिस्टेंट के लिए अभी वैकेंसी आई हुई थी, इसका यहाँ पर रिवाइज डेट भी दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम 64वीं के लिए क्या क्या पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर 64वीं के लिए मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अंडर एज के कारण उनको छाट दिया गया है। यहाँ पर दिया हुआ है 64वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो होगी आपकी, वो देखिए यहाँ पे रविवार को कराए जाएंगे, आपको 16 दिसंबर को कराए जाएंगे। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एकल पाली में आपको परीक्षा कराई जाएगी, 12 बजे से 2 बजे तक कराई जाएगी। बिहार के 35 जिलों में 808 केंद्र बनाए गए हैं जिस पे आपकी परीक्षा होगी। और देखिए, एडमिट कार्ड तुरंत ही आपका रिलीज कर दिया जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि एडमिट कार्ड जो है आपकी वेबसाइट पे ही आपको डाउनलोड करना है, डाक द्वारा एडमिट कार्ड नहीं भेजे जाएंगे। और बहुत सारे लोग जो हैं उनका डेट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 1/8/2018 के अंतर्गत नहीं आने के कारण 428 अभ्यर्थियों को निष्कासित कर दिया गया है, इनको एग्ज़ाम से वंचित कर दिया गया है। वो फॉर्म भरे हुए थे, अप्लाई किए हुए थे, फिर भी उनको एज के कारण उनको, चलिए देख लेते हैं उनके बारे में भी, किस किस को यहाँ पे निष्कासित किया गया है, उनकी भी लिस्ट हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है नीचे में, लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल अंडर एज कैंडिडेट। तो यहाँ से हम जाके उनकी लिस्ट देख लेते हैं, अंडर एज कैंडिडेट जो हैं इनकी लिस्ट यहाँ से हमको मिल जाएगी। अंडर एज कैंडिडेट 428 हैं उनकी, ये देखिए पूरी लिस्ट है, यहाँ से आप जाके अपना देख सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे लेस देन 20 ईयर इनकी हो रही है एज यहाँ से, यानी कि इससे गणना करने पर 1/8/2018 के अनुसार इनकी एज 20 साल से भी कम हो रही है। तो इसमें अपना नाम वो देख लेंगे किसका किसका यहाँ पे अंडर एज के कारण, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इधर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, इधर रिमार्क में दिया हुआ है अंडर एज के कारण, और यहाँ पे आपका कैंडिडेट नेम दिया हुआ है, यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ, तो आप अपना मिला लें कि किसका किसका यहाँ पे अंडर एज के कारण अपना उनका नाम नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग को पता चल सके इसके बारे में।